जबरदस्त सियासी लड़ाई चल रही है। एक तरफ योगी सरकार अंदरूनी कलह से जूझ रही है तो दूसरी ओर अखिलेश यादव के साथ टकराव, शह और मात का खेल जारी है। बीजेपी जहां अपनी ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करने में जुटी है तो दूसरी ओर अखिलेश यादव ने पीडीए का विस्तार किया है। यूपी में किस तरह अखिलेश और योगी के बीच अगड़ों और पिछड़ों की सियासी लड़ाई चल रही है, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। आज इस सदन में एक नई जिम्मेवारी के नाते से नेता प्रतिपक्ष के रूप में आदरणीय श्री माता प्रसाद जी पांडे भी हमारे बीच। आदरणीय माता प्रसाद जी पांडे का जीवन समाज के लिए समर्पित रहा हमेशा। 7 बार विधायक रहने का इनको गौरव प्राप्त है। 7 बार बहुत लंबा पीरियड होता है। विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी को भी आपने सुशोभित किया 2 बार। सबसे बड़े सूबे की सदन में जिस समाजवादी पुरोधा के सम्मान में शब्दों के पिरामिड गढ़े जा रहे थे, अगली कतार में बैठे जिस माता प्रसाद पांडे को करतल ध्वनि से सम्मानित किया जा रहा था, वही नेता प्रतिपक्ष बने हैं यूपी की विधानसभा में। वही अब अखिलेश यादव के सियासी मिशन को नए सिरे से आगे बढ़ाएंगे। 7 वर्षों से प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता के शीर्ष पर बैठे योगी आदित्यनाथ से वही अब सीधे सीधे टकराएंगे। समाजवादी पार्टी की सत्ता में वापसी की राह तैयार करेंगे। पीडीए फार्मूले की धुरी पर सियासी गलियारों में घूमते तमाम नामों के बीच जब माता प्रसाद पांडे को अखिलेश ने विधानसभा में पार्टी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी तो लोग जानना चाहते हैं कि माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाने का उद्देश्य क्या है। क्या 2027 को लेकर अखिलेश की ये नई सोशल इंजीनियरिंग है? अखिलेश के इस फैसले का पीडीए फार्मूले पर क्या असर पड़ेगा और अखिलेश के इस समीकरण का बीजेपी के पास क्या काट है? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि माता प्रसाद पांडे को जिम्मेदारी मिलते ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने शाब्दिक नश्तर चलाना शुरू कर दिया। अखिलेश यादव के उस पीडीए को वोट पाखंड प्रमाणित करने में जुट गए जिसकी बदौलत समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक लकीर खींची है। तथाकथित पीडीए के नाम पर गुमराह करके लोकसभा चुनाव में वोट लिए हैं, उस वर्ग से आने वाले नेता बहुत मायूस हैं। बड़े सपने संजोए हुए थे, चाचा भी सपने संजोए हुए थे और जो वरिष्ठ नेता थे ओबीसी एससी वर्ग के, वह भी बहुत इच्छा मन में लेकर के बैठे हुए थे, लेकिन अखिलेश यादव जी ने पीठ में छुरा भोंक दिया। सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के नेता ही नहीं बल्कि मायावती ने भी सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया। माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर अखिलेश के ही हथियार से उन पर प्रहार किया। लिखा कि सपा मुखिया ने लोकसभा आम चुनाव में खासकर संविधान बचाने की आड़ में यहां पीडीए को गुमराह करने उनका वोट तो जरूर ले लिया, लेकिन यूपी विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाने में जो उनकी उपेक्षा की गई, यह भी सोचने की बात है। जबकि सपा में एक जाति विशेष को छोड़कर बाकी पीडीए के लिए कोई जगह नहीं, ब्राह्मण समाज की तो कतई नहीं, क्योंकि सपा और भाजपा सरकार में जो इनका उत्पीड़न व उपेक्षा हुई वो किसी से छिपा नहीं। एकमुश्त विपक्ष एक सुर में अखिलेश यादव के फैसलों को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा कर रहा है। शाब्दिक बाण इसीलिए भी लागे जा रहे हैं कि चंद रोज पहले तक अखिलेश यादव के तमाम लेफ्टिनेंट ये दावा कर रहे थे कि जिम्मेदारी के केंद्र में पीडीए होगा। पार्लियामेंट बोर्ड तय करेगा कि कौन सटीक व्यक्ति है, इतना तय है कि वो पीडीए वाला व्यक्ति होगा और पीडीए ही हमारा कॉन्सेप्ट है, पीडीए ही हमारा सब कुछ है, कह सकते हैं आप चार धाम है। तो निश्चित तौर पे जो व्यक्ति आएगा नेता प्रतिपक्ष के रूप में वो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगा और उस चुनौती को बीजेपी कैसे 2 सालों में स्वीकार करेगी, कैसे उसकी अपनी छत पूर्ति को पूरा करने की कोशिश करेगी, ये बीजेपी के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी तरफ से पूर्ण रूप से पीडीए को और मजबूत, और मैंने तो एक नया नारा निकाला है, पीडीए स्क्वायर करेंगे। लेकिन गिनती के कुछ घंटे बीतते बीतते अखिलेश यादव ने जो फैसला लिया उसमें पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बदलकर पिछड़ा दलित अगड़ा हो गया। अब समाजवादी पार्टी के नेता समझा रहे हैं कि पीडीए में एक का दो दो मतलब है। समाजवादी पार्टी सभी जात धर्म बिरादरी की पार्टी है, और जहां तक पीडीए का सवाल है तो निश्चित तौर पर देखना पड़ेगा कि लोग कहते थे कि उसमें अगड़ा नहीं है, तो जो नेता विरोधी दल बने हैं तो ये बात साबित हो गया वो भी पीडीए का हिस्सा है, और मुझे जिम्मेदारी दी है तो ये भी साबित हो गया कि वो पीडीए का हिस्सा है।
यहीं से आगे का सवाल पूछा जा रहा है कि जो साइकिल छाप पार्टी अब तक पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर रही है, वह अगड़ों की पैरोकार कैसे बन गई। पिछले हफ्ते अखिलेश यादव ने यूपी विधान परिषद में लाल बिहारी यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाया था, जो पीडीए फॉर्मूले का एक हिस्सा है। जब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात हुई तो कई नाम चर्चाओं में आए, खासकर दलित और पिछड़ों को लेकर। इसमें शिवपाल यादव के नाम के अलावा इंद्रजीत सरोज, रामवच राजभर और मनोज पारासरी के नाम भी थे। विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले जब अखिलेश यादव ने जिम्मेदारी सौंपी तो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर ना तो शिवपाल यादव का नाम था ना ही इंद्रजीत सरोज का। माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, कमाल अख्तर को यूपी विधानसभा का मुख्य सचेतक बनाया गया, महबूब अली को यूपी विधानसभा के अधिष्ठाता मंडल की जिम्मेदारी दी गई है, कुर्मी जाति से ताल्लुक रखने वाले राकेश कुमार वर्मा को उप सचेतक बनाया गया है। विधानसभा और विधान परिषद में अखिलेश पिछड़ा और अल्पसंख्यक दोनों को साध गए, लेकिन शिवपाल और इंद्रजीत के नाम को किनारा लगाकर सबको चौंका दिया। अब जरा समझिए इन दोनों के नाम क्यों और कैसे कट गए। इंद्रजीत सरोज दलित नेता हैं और बीएसपी से आए हुए हैं, जबकि शिवपाल यादव यूं तो अखिलेश के परिवार के हैं, चाचा हैं, लेकिन पिछले दिनों ये दूसरी पार्टी से आए थे। इंद्रजीत सरोज और शिवपाल दोनों नेता प्रतिपक्ष के दावेदार थे, लेकिन पेच यहीं फंस रहा था। इंद्रजीत सरोज को नेता प्रतिपक्ष बनाते तो शिवपाल नाराज हो सकते थे, शिवपाल को बनाते तो इंद्रजीत सरोज नाराज हो सकते थे। ऐसे में अखिलेश यादव ने ब्राह्मण चेहरे को आगे बढ़ाया, उस माता प्रसाद को विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष बना दिया जो मुलायम सिंह यादव के साथी रहे हैं, जो शिवपाल यादव के करीबी हैं, जिनको लेकर ना तो शिवपाल कुछ बोल सकते हैं, ना ही इंद्रजीत सरोज और ना ही कोई और नेता। 81 साल के माता प्रसाद पांडे साल 1980 में जनता पार्टी से जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे, वो अब तक 7 बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। अभी सिद्धार्थनगर के इटावा विधानसभा से विधायक हैं, मुलायम सरकार में श्रम और रोजगार मंत्री भी रहे, समाजवादी पार्टी की सरकार में 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे। मुलायमवादी समाजवादी रहे ब्राह्मण नेता माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में अपनी जगह बिठाकर अखिलेश यादव ने कहा कि माता प्रसाद पांडे जी का विधानसभा और उसकी स्वस्थ परंपराओं को जानने समझने और मानने मनवाने का जो दीर्घ अनुभव रहा है और जिस प्रकार वो विधि और विधि के निर्माण की प्रक्रिया के ज्ञाता हैं, उसका लाभ न केवल सपा के सभी विधायकों बल्कि सदन के अध्यक्ष महोदय से लेकर मुख्यमंत्री जी और उनके सभी मंत्रियों व विधायकों को भी मिले। इससे पहले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद अखिलेश यादव खुद अपने पास रखे हुए थे, मैनपुर की करहल सीट से विधायक थे। इस बार उन्होंने कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़कर जीत हासिल की, जिसके बाद वो केंद्र की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने करहल सीट से इस्तीफा दे दिया था और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद भी छोड़ दिया था। अब जरा समझिए कि पीडीए में अल्पसंख्यक के साथ साथ अगर अखिलेश यादव अगड़ों को साथ कर नया समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब क्या है। माता प्रसाद पांडे मुलायम सिंह के करीबी रहे, उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाकर हाशिए पर खड़े मुलायम के करीबियों को सकारात्मक संदेश दिया है। 2027 को ध्यान में रखते हुए ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश की है, पूर्वांचल में ब्राह्मण बनाम ठाकुर की थ्योरी के बीच बड़ा मैसेज दिया है। ये मैसेज इसलिए भी अहम है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 12% ब्राह्मण वोटर्स है, 12 जिलों में 15% से ज्यादा ब्राह्मण वोटर्स है, विधानसभा की करीब 115 सीटों पर ब्राह्मण वोटर्स का असर है। जिन 12 जिलों में ब्राह्मण वोट बैंक का असर है वहां पर लोकसभा चुनाव में क्या नतीजे रहे। 15% से ज्यादा ब्राह्मण वाले जिले बलरामपुर, बस्ती, संत कबीरनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, वाराणसी, चंदौली, कानपुर, इलाहाबाद। बलरामपुर श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली। बस्ती और संत कबीर नगर में पहली बार समाजवादी पार्टी जीती, जौनपुर और चंदौली में भी समाजवादी पार्टी को जीत मिली, जबकि अमेठी और इलाहाबाद में एसपी की सहयोगी पार्टी कांग्रेस को जीत मिली। 12 में से सिर्फ 5 सीट मसलन महाराजगंज,
गोरखपुर, देवरिया, कानपुर और वाराणसी में ही बीजेपी को जीत मिल पाई, जबकि ब्राह्मणों को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट इधर उधर शिफ्ट होते रहे हैं। 2007 में सतीश मिश्रा के जरिए बीएसपी के साथ आए तो यूपी में मायावती की सरकार बनी। मायावती सरकार में खास तवज्जो नहीं मिलने पर 2012 में एसपी के साथ आए तो अखिलेश की सरकार बनी। 2017 में फिर से ब्राह्मण वोट बैंक बीजेपी की ओर शिफ्ट हो गया तो योगी की सरकार बनी। योगी आदित्यनाथ की सरकार को लगातार ब्राह्मण विरोधी बताने की सियासी कोशिश होती रहती है। विकास दुबे के इनकाउंटर से लेकर अब तक कई बार समाजवादी पार्टी ये थ्योरी गढ़ने की कोशिश करती रही है कि योगी सरकार ब्राह्मण विरोधी है। अब